वहाँ पे एक से एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स लगे हुए, ऐसे ऐसे फ्लावर्स जो ऐसा लगे आपको कि ना प्लास्टिक के है ना, डस्ट फ्री, यहाँ पे तो बिल्कुल भी डस्ट नहीं। कहते हैं कि रात को आने के टाइम पे ना आपको एक अनोखा सा व्यू दिखेगा, एकदम ब्राइट लाइट वाला। यहाँ सबके फोटोशूट चालू है। वेलकम बैक टू माई चैनल। वापस से आ गया हूँ मैं एक और नई वीडियो लेके। मार्केट वाली वीडियो आपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं और सिडनी हार्बर ब्रिज का जो वॉकिंग था वो सब आपने देख लिया। अब मैं आया हूँ यहाँ पर वॉक करते हुए सिडनी हार्बर ब्रिज के नीचे और एक दूसरे तरफ, और वहाँ पर से एकदम क्लियर व्यू दिखता है सिडनी ओपेरा हाउस का भी। ये आप देख सकते हो सबसे पहले सिडनी हार्बर ब्रिज, और ये जो ऊपर लोग वॉक कर रहे हैं ना, ये वाला जिसके मैंने पिछले वीडियो में चार्जेस वगैरह बताया था उसके थे कुछ $18 से समथिंग, आपने तो देखा होगा। और ये झाड़ के जस्ट पीछे में सिडनी ओपेरा हाउस है, तो मैं आपको बता देता हूँ वो वाले भी नज़ारे। और इस तरफ है ना, ये जो मेरे यहाँ वाला एरिया है वो रॉयल बोटैनिक गार्डन्स है। वहाँ पे एक से एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स लगे हुए, ऐसे ऐसे फ्लावर्स जो ऐसा लगे आपको कि ना प्लास्टिक के है ना, डस्ट फ्री, यहाँ पे तो बिल्कुल भी डस्ट नहीं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको दिखा दिया है सारे सीन्स वगैरह, तो आपने तो देख के ही अंदाज़ा लगा लिया होगा। तो वहाँ से ना मैं ऐसे देखते हुए आया, हालाँकि उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाया, तो मैं वहाँ से वॉक करते हुए आया, आगे अंदर की तरफ जा रहा था लेकिन सिक्योरिटी ने बोला कि ना यहाँ पर किसी की वेडिंग होने वाली है तो वो रास्ता ब्लॉक है आज के लिए। तो ये यहाँ से अंदर का रास्ता है, यहाँ पे पब्लिक सब बैठी चेल मार रही है, हवा खा रही है सब। तो ये वाला जो शादी का यहाँ पे मंडप वगैरह इनके हिसाब का सजाया हुआ है, तो मैं अभी इस तरफ आ गया हूँ थोड़ा वॉक करते हुए। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कुछ ऐसे फैमिली वगैरह बैठी है वीकेंड एंजॉय करते हुए, तो सब मज़े ले रहे हैं। और मैं आया हूँ इधर वॉक करके, मतलब बहुत ही अलग फील हो रहा है वॉक करते हुए। और इधर बीच बीच में थोड़ा रुक जाता हूँ और हवा ले रहा हूँ। ये मेरे सामने एक बड़ी सी क्रूज़ है, ये आप देख सकते हो, ये वाली क्रूज़ कितनी बड़ी है, सोचो ये वाली तो टाइटैनिक कितनी बड़ी होगी। और इसमें बहुत सारे मतलब अरेंजमेंट हो गए, मुझे तो लगता है ऐसे वाले क्रूज़ में एक बार जाना है मुझे। और ये देखो सब लोग यहाँ पर वॉक कर रहे हैं, ये है ओपेरा हाउस। आपको आगे चल के ना क्लियर व्यू बताता हूँ। ये देखो इसमें कौन से कलर के पैरट्स हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर एकदम ही अलग कलर के, ये देखो। ओ माय गॉड, क्या पैरट है यार, कसम से। ओ माय गॉड, सही में ये देखो ऊपर है, ऐसा लग रहा है कि ये कोई जू है, पर ये जू नहीं है। यहाँ पे नेचुरल ट्रीज में भी ऐसे बैठे रहते हैं, इतने ब्यूटीफुल पैरट्स हैं। वाह, इसको बोलते हैं नेचर यार, देख लो वापस से। ये कौन सा फ्रूट है यार, समझ ही नहीं आ रहा, एकदम टमाटर जैसा लग रहा है। ये देखो है कि नहीं, है मज़ेदार वाला नज़ारा, मस्त लग रहा है वॉक करते हुए। यहाँ पे ना उम्र दराज जो होते हैं मतलब मोर देन 70 एज के, वो कपल्स भी दिखेंगे और सिंगल्स भी ऐसे पार्क में सोए हुए दिखेंगे, वॉक करते हुए दिखेंगे, रनिंग करते हुए दिखेंगे, और इवन हर जगह आपको ना दिखाई देंगे, मतलब इन लोग बहुत एक्टिव होते हैं ये एज में भी, साइकिलिंग वगैरह भी करते दिखाई देंगे। अपने यहाँ कैसा है, कोई कोई मतलब घर में बैठ जाता है, इन लोग वैसे नहीं, बहुत एक्टिव होते हैं भाई।
ये जो ओपेरा हाउसेस की टिकट है अराउंड $35 की, आप ऑनलाइन जाके भी ले सकते हो वेबसाइट से, और इसके अंदर आर्ट्स एंड गैलरीज वगैरह है। तो मैं शायद नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ आर्ट्स गैलरीज में, क्योंकि मेलबर्न में भी बहुत जगह जा चुका हूँ। और यहाँ पे फ्री वाईफाई की सुविधा भी है, ओपेरा हाउस फ्री वाईफाई लिखा हुआ है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। कहते हैं कि रात को आने के टाइम पे ना आपको एक अनोखा सा व्यू दिखेगा, एकदम ब्राइट लाइट वाला। और अभी इसका 50th एनिवर्सरी भी कुछ चालू है, तो उसमें भी कुछ बहुत सारे फेस्टिवल्स होने वाले हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐसा इसके वेबसाइट पे लिखा हुआ, वही मैं अभी रीड कर रहा हूँ। ये जो आपको हेलीकॉप्टर दिख रहा है ना, ये है यहाँ पर जा रहा है, वो सब हेलीकॉप्टर टूर है। यहाँ पे $236 है उसका चार्जेस, तो अच्छा है, वो भी कर सकता है, अभी सस्ता है, इतना कुछ एक्सपेंसिव नहीं है, तो भी एक टूर हो जाता है कंप्लीट एकदम सिडनी हार्बर और ओपेरा हाउस का, एकदम ड्रोन व्यू समझ लो, अपने आँख से देखने वाला। अभी ऐसे ना मैं ओपेरा हाउस की तरफ ना यहाँ पे शेड में आकर बैठ गया हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे बहुत धूप है, सनी है, और ना हालांकि टेम्परेचर बहुत कम है, ठंडी हवा चल रही है, लेकिन इधर का वेदर का अनप्रडिक्टेबल है, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो अब बोलते हैं कि ना सनस्क्रीन लगाना, नहीं तो टैन हो जाओगे यहाँ पे, तो इजीली आदमी काला हो जाएगा। तो फिर भी मैं सनस्क्रीन तो लाया नहीं हूँ, तो मैं इधर आके बैठ गया, क्योंकि ना अभी थोड़ा सा, देखो आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो कि थोड़ा थोड़ा सा ब्राउनिश ज़्यादा दिख रहा है, तो इसके लिए फुल स्लीव पहना हुआ है मैं। तो सब लोग बैठे हुए हैं रेस्टोरेंट में, बार में, इधर सब चिल मार रहे हैं, और ना एकदम जो ये गरम मारता है ना, तो मैग्नीफाइंग ग्लास वाला गरम मारता है इधर, वो जो एकदम यहाँ पे ना ओजोन लेयर टाइप का कुछ अलग ही रेज होती है इधर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में, तो और ये अंटार्कटिका के एकदम करीब भी आता है ना, तो यहाँ पे एकदम अलग टाइप की रेज आती है, और हालांकि ठंडा मौसम रहता है लेकिन ना उस रेज अलग से आती है सन की, तो उससे आपको ना ज़्यादा एकदम गर्म लगेगा, हालांकि इतना गर्म नहीं है फिर भी। अभी हम जा रहे हैं सर्कुलर के तरफ, वहाँ से हम वार्फ कैच करेंगे एंड देन वी विल गो टूवर्ड्स मैनली बीच, वो भी एक बहुत अच्छा स्पॉट है घूमने के लिए, तो वहाँ जा रहे हैं हम अभी। सबके फोटो शूट चालू है, कॉन्सर्ट देख रहा हूँ यार। तो कैसा लगा टाइम लैप्स ये वाले स्ट्रीट का? यहाँ पे सब वार्फ का टाइम दिया हुआ है, जो यहाँ से छोटी सी एक शिप जाती है अलग अलग लोकेशन में, उसमें किसिंग पॉइंट भी है लोकेशन। अभी यहाँ से हमारे आने वाली है फेरी 4 मिनट में, उसके बाद वाली आने वाली है 24 मिनट में, तो हम जाएंगे ये वाले में, यूज़ करेंगे अपना ओपल कार्ड, खुल चुका है। एक तरफ का चार्ज है इसका $10.5, तो मेरे पास बैलेंस था तो मैं इसमें से ही जा रहा हूँ। बैठ गए हम बाहर की तरफ आकर ये वाला पोजीशन में, अंदर भी जगह है पर हमने ये बाहर वाला एरिया पकड़ा है, क्योंकि यहाँ से ना व्यू बहुत मज़ेदार आने वाला है। आप मेरे पीछे ही जस्ट व्यू देख सकते हो, ये बार बार दिखाऊंगा आपको, सिडनी हार्बर ब्रिज, और मस्त हवा चल रही है, एकदम कूल ब्रीज है, और अभी ये स्टार्ट होने वाली, मैंने इसीलिए जगह पकड़ा क्योंकि यहाँ से ना सारा पूरे ना गोल घूम के ना ऐसा सब लोकेशन आपको देखने को मिला, नीचे ना कवर्ड रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा, ये देख सकते हो।
यार मज़ा आ गया वो फेरी के अंदर, इतनी मज़ेदार जर्नी थी वो। $10.50 कुछ भी नहीं है यार, अपना स्पेंड कर सकते हो। और एक बात बता दूँ कि ये जो यहाँ का ओपल कार्ड होता है ना, जैसा ट्रेन वगैरह का कार्ड होता है, उसमें ना खाली आप एक बार टैप करोगे ना तो चल जाएगा, बार बार टैप करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और हालांकि बस, मेट्रो, ट्रैम और ये अदर टाइप्स के ट्रांसपोर्टेशन है ना, उसमें आपको सेकेंड टाइम भी टैप करना पड़ता है, टैप ऑन एंड टैप ऑफ, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं है आपको। तो बहुत अच्छा है सिस्टम। और अभी हम जा रहे हैं मैनली बीच के तरफ, और यहाँ पर ना बाथरूम वगैरह का सिस्टम है ना है होता नहीं, जैसा अपने इंडिया वगैरह या इवन दुबई में भी मैंने देखा है कि बाथरूम हर जगह दिया होता, मेट्रो स्टेशन में या कोई रेस्टोरेंट के अंदर। इधर ना रेस्टोरेंट के अंदर बाथरूम वगैरह नहीं होता, यहाँ पे बाहर आपको जाना पड़ता है या तो कोई और सेक्शन होता है, तो उधर आपको बाथरूम वगैरह जाके हल्का होना पड़ेगा। तो अभी बाथरूम वगैरह ढूंढते हैं, और फ़ोन अगर अभी चार्ज करना है, मेरा USB ख़राब हो गई है, तो ढूंढता हूँ मैं कोई चार्जिंग पॉइंट, और उसके बाद में ये सब काम थोड़ा बाकी रह गया, क्योंकि बाहर जाओगे ना तो ये सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि आपको ना पावर बैंक चार्ज करके अपने पास ही रखना पड़ेगा तो बेस्ट रहेगा, वो एक आपके पास अच्छी चीज़ होती है। तो अभी आ गया हूँ मैं मैनली बीच में, ये है मेरे जस्ट सामने ब्यूटीफुल अमेजिंग मैनली बीच। सब बच्चे वगैरह यहाँ पे देखो क्या क्या कर रहे हैं यार, और फैमिली बैठी हुई है, सब अपने में मज़े कर रहे हैं। उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो यहाँ पे पत्थर बनाया हुआ ना, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ कि सबसे पहले वाइट मैन आया हुआ था, उसका नाम है कैप्टन आर्थर फिलिप्स, वहाँ का फर्स्ट गवर्नर था न्यू साउथ वेल्स का। ओह, अभी मैं थोड़ा आगे के तरफ आ चुका हूँ मैनली बीच के, और ये भी मस्त व्यू है, अच्छा ठंडा लग रहा है, अभी दबा के ठंडी है यहाँ पे। अपने बम्बई में बोलते हैं ना ठंडी बज रही है, वैसा वाला लग रहा है, अभी ठंडी बज ही रही है। एक वॉक करते हुए मुझे मिला एक ये आशियाना इंडियन रेस्टोरेंट, कबाब वगैरह भी है, मस्त लोकेशन है यार ये देखो तो। ये एक इंडियन रेस्टोरेंट का रेट्स वगैरह लिखा हुआ, $4.50 की लस्सी, अनियन भाजी, ग्लूटेन फ्री, क्या है ये, बटर चिकन $22, और भुना लैम्ब, मतलब अच्छा खासा एक्सपेंसिव है देखा जाए तो। अभी बाकी आप $1.55 का रेट है, तो आप बाकी का हिसाब लगा लो। अभी मैं आ गया हूँ स्टारबक्स में, थोड़ा फ़ोन वगैरह चार्ज कर लेते हैं और एक आध कॉफ़ी ले लेते हैं। यहाँ पे कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, $5-$8 का है, तो फ़ोन भी चार्ज हो जाएगा, कॉफ़ी भी पी लेंगे, फ्रेश हो जाएगी। और ये बाहर के कुछ नज़ारे हैं स्टारबक्स के। मैंने ये टर्किश ब्रेड लिया था कोल्स शॉप से, और साथ में मैंने ये भी लिया था हुम्मस, तो ये मुझे दो हुम्मस मिले कुछ अराउंड $6 के, दो बॉक्स मिले मुझे ऑफर था, तो ये इसके साथ में खा रहा हूँ ना, इतना मस्त लग रहा ना टेस्ट, ऐसा यमी ना क्या बताऊँ, और भूख लगी हुई ना तो और मज़ा आ रहा है। एक कॉफ़ी ले लियो, फ़ोन चार्ज हो रहा है अपना, फिर आगे बढ़ेंगे अपन यहाँ से। अभी मैं आ गया हूँ स्टारबक्स से बाहर, अपना काम हो गया चार्ज वार्ज करके, सब कॉफ़ी पी के पेट पूजा भी हो गई। तो ये ना एक बीच का एरिया आप देख सकते हो, ये वाला भी मैनली का एरिया है, मैनली बीच आप बोल सकते हो बेसिकली इसको। और यहाँ पे ना अच्छा खासा मतलब ठंडा लग रहा है, अभी बहुत ठंडी है, मैं बता नहीं सकता। मैंने ना आज एक शर्ट पहन के आया था, मेरी गलती हो गई, यहाँ का एक तो वेदर कभी भी चेंज हो जाता, तो मैंने जैकेट रखना था लेकिन रखा नहीं, और मैं अभी शर्ट पहन के आया हूँ। लोग तो ऐसे ही घूम रहे हैं यहाँ के गोरे लोग, पता ही नहीं चल रहा है, लगता है इन लोग को ठंडी बिल्कुल भी नहीं लगती। तो मैं आया हूँ, ये धूप आप देख रहे होगे ना ये प्लेस पे, आप जितनी भी, ये अभी इस वक्त बज रहे हैं 7:20 शाम के, 8:30 तो सनसेट होता है इधर, समर इनका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो फिर भी ना यहाँ पे हवा इतनी चल रही है, आपको समझ में नहीं आएगा, ये सनी देखकर आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये सनी है वेदर, लेकिन एक्चुअल में ना ये ठंडा है इनका। और ये आप बर्ड देख सकते हो, ये वाली जो बर्ड है ना देखो उड़ते हुए आ रही है, ये जो आप देख रहे हो ना होटल स्टाइन, ये ना 1856 से है, और ये वाला जो है ना ब्राइटन होटल 1926 से, कितने पुराने होटल्स है ना ये, मैनली बीच के जस्ट सामने दिखेंगे आप। और इस होटल का कॉस्ट भी अराउंड $226-$250 पर नाइट है। आज वीकेंड है, इसके लिए इतनी पब्लिक जाम है, सोचो बाकी दिन में यहाँ पे इतना रश होता भी नहीं होगा।
क्या क्राउड है, आप देख सकते हो एकदम कलरफुल लग रहा है और हर जगह ना चहल पहल लग रही है। पब्लिक ऐसे बैठी हुई ना, जैसे बोलते ना लॉकडाउन के टाइम पे कैसा एक तरफ घर में बैठते थे, वैसा अभी सब पब्लिक बाहर आ गई है लॉकडाउन के बाहर। अभी वापस से मैंने वॉक ले लिया और सर्कुलर पे स्टेशन जा रहा हूँ, मुझे जाना है रूम पे और मेरा रूम चेंज करना है, बाकी सब डिटेल अगले वीडियो में बताऊँगा। और ये जो वॉक है ना उसमें $8.50 जो लेता है ना, मैंने बताया था वो ना एक ही तरफ के नहीं लेता है, एक दिन में आप पे करोगे ना उसके अंदर कहीं भी आप जाओगे तो आपको चार्जेस नहीं लगेंगे, ये मैंने कन्फर्म किया यहाँ पे ये जो मैनली वेब था ना वहाँ पे। अब मैं ये वाले वॉक में से पहुँच रहा हूँ जब स्टेशन सर्कुलर, ये आप देख सकते हो ये वाला व्यू वापस से, अभी 8:30 बजे रात के और वापस से सिडनी हार्बर और ये वाला पूरा बिल्डिंग का एरिया देखा कितना मज़ेदार लग रहा है। वाह, इसको बोलते हैं ओरिजिनल ऑस्ट्रेलिया, अमेजिंग व्यू। मैंने द रॉक्स की तरफ से वाफ लिया और अभी मैं मिल्सन्स पॉइंट स्टेशन की तरफ आया, वो भी एक वाफ वाला एरिया है, फेरी से आया तो यहाँ पे ना एक लूना पार्क है, सेम दुबई में जैसा ग्लोबल विलेज है वैसे टाइप का। तो इसमें ना एंट्री फ्री है लेकिन ना यहाँ पे राइड्स के चार्जेस होते हैं, वही आपको पे करना पड़ता है। लेकिन ना मेरे को सेम टू सेम ना ऐसा लग रहा है मैं ग्लोबल विलेज में आया हुआ हूँ, जैसे हम लोग हर साल जाते हैं वहाँ पर, सेम एज इट इज़ लग रहा है और एकदम मज़ेदार बना है। ये देखो वैसे रेप्लिका नहीं लग रहा है, देखो अलग अलग वहाँ पे देश बनाए हुए, वैसे ये कोनी आइलैंड है, फिर यहाँ पे भी कुछ ऐसा ऐसा लग रहा है कि थर्मोकोल का बनाया है। ये क्या है यहाँ पर, ग्रीन स्क्रीन, अच्छा ये सब फोटोज़ वगैरह खिंचा सकते हो, गेम्स दिए हुए हैं और यहाँ पे बच्चे लोग का राइट्स है, सही है। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओ ये कैसा राइड दी हुई है, ऊपर से आप फिसल सकते हो, मस्त है ये भी, गजब चीज़ है। देखो अलग अलग डेकोरेशन दिया हुआ है यहाँ पे, कुछ तो भूत जैसा बनाया हुआ है, मज़ा आ रहा है यार एकदम। ये देखो यहाँ पे कुछ तो बच्चे लोग कर रहे हैं, आदमी भी कर रहे हैं, बच्चे ही नहीं है, बड़े बड़े लोग भी कर रहे हैं। ये क्या आइटम है, देखो इसके अंदर बॉल डालना है ऐसे करके, क्या क्या गेम निकालते यार। चलो अभी भागते हैं, बहुत टाइम पास कर लिया इधर उधर घूम के, अभी जाते हैं बैग उठा के निकलते हैं अपने नए वाले लोकेशन में जहाँ पे हमारा रूम है। सामान वगैरह ले लिया है, अभी हम ये ग्लेन फेरी होटल है इसको हम छोड़ रहे हैं, बहुत अच्छा था, हर एक चीज़ था यहाँ पे, ब्रेकफास्ट वगैरह का अरेंजमेंट भी बहुत बेहतरीन था, सब चीज़ मज़ा आ गया। अभी मैंने चाय पिया, 10 बजे तक इनका किचन खुला होता है तो मज़ा आ गया, थोड़ा फुटबॉल मैच वगैरह देखते हुए ऑस्ट्रेलिया टूनिस का। तो अभी यहाँ से हम जाते वाफ कैच करते हैं, फिर जाते ग्रीन एकर में, हमारा दूसरा लोकेशन में रूम लिया हुआ, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ पे ग्लेन फेरी में किली बिरी जो लोकेशन है, मिल्सन्स पॉइंट स्टेशन से अराउंड 900 मीटर्स वॉक है, आप आ सकते हो यहाँ पे, स्टे कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन जगह है, ब्रेकफास्ट इंक्लूड है तो $200-250 है अराउंड, वो आप ले सकते हो, डबल बेड भी है सिंगल बेड भी है, तो यू कैन एन्जॉय एंड यू कैन हैव फन हियर। तो चलते अभी मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन।